बढ़ते आगे। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम शिवराज ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह समारोह में दूल्हों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। सीहोर के पीपलानी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिवराज ने कार्यक्रम में की शिरकत। दूल्हों का पुष्प वर्षा करके किया स्वागत। कन्या विवाह योजना की राशि में बढ़ोतरी, 55,000 रुपए की मदद देगी राज्य सरकार। सीहोर जिले के जनजातीय बाहुल्य गांव पीपलानी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, जिसमें 822 नवविवाहित जोड़ों की एक साथ शादी संपन्न कराई गई। पीपलानी में आयोजित गोंड समाज और कोरकू समाज के विवाह सम्मेलन में सीएम शिवराज ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सूबे के मुखिया शिवराज ने दूल्हों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने जनजातीय भाई बहनों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं का बखान किया। साथ ही सीएम ने विवाह कन्या योजना की राशि को भी बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने विवाह कन्या योजना की राशि में बढ़ाने की घोषणा की है। पहले योजना में 51,000 रुपए की मदद दी जाती थी। सीएम शिवराज ने योजना में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। गृहस्थी का सारा सामान विवाहित जोड़ों को दिया जाता है। इसके अलावा दुल्हन के खाते में 11,000 रुपए भी डाले जाते हैं। जनजातीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। जनजातियों के हित में पैसा एक्ट लागू किया गया है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में बैतूल और महाराष्ट्र से आए सांस्कृतिक दल की आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने दोनों सांस्कृतिक दलों को 25,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा मंडला सांसद सुश्री संपतिया उइके ने भी सांस्कृतिक दलों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की। सीहोर से महेंद्र ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ 8।